सनातन धर्म को लेकर जितने ज्यादा बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रख्यात हैं, उतना ही उनका छोटा भाई शालीग्राम गर्ग अपराध जगत में अपना नाम कमा रहा है। कभी शादी समारोह में फायरिंग, तो कहीं टोल टैक्स पर मारपीट, तो कहीं धाम पर लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कुछ दिनों पहले 4 साल से सेवा दे रहे जीतू तिवारी के घर एक दर्जन से ज्यादा गुंडों सहित शालीग्राम ने मारपीट की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि जीतू तिवारी ने अपने एक फेसबुक पोस्ट कर धमकी दी थी, जिसके कारण यह सब हुआ था। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि बागेश्वर धाम के कुछ ऐसे वीडियो हैं जिससे बागेश्वर धाम बदनाम हो सकता है, सतर्क हो जाओ बागेश्वर धाम के महाराज। जिस पर शालीग्राम गर्ग ने लिखा था कि 13-72 घंटे के अंदर खेल खत्म हो जाएगा, और लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो जानता ही होगा। इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी अब सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अनेक पुत्र होते हैं, उनके सभी गुण अलग अलग होते हैं। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के वर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है, और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हमारा मन बहुत ज्यादा पीड़ा में भी है। इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं, कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई की करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं है, हम कानून के साथ हैं, और इस प्रकार के कृत्यों से हमारा मन बहुत ज्यादा क्षुब्ध है, क्योंकि हम अपनी यात्रा पर निकले हैं, हम अपने जीवन की एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसमें लक्ष्य और लंबी तय की दूरी है, जिसमें संघर्ष बहुत ज्यादा है। इन संघर्षों में ही पड़े रहेंगे तो हम अपने कार्य हिंदू एकता नहीं कर पाएंगे, सनातनी एकता नहीं कर पाएंगे। तो हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके गांवदारी का, हमारे परिवार का, हमसे जुड़े हुए लोगों का विषय हमसे ना जोड़ा जावे। उनके गुण, उनके कर्म, सबके अपने अपने कर्म को भोगना पड़ता है, वो पाएंगे, और हम तो कानून के साथ हैं, कानून इस पर कठोर कार्रवाई करे। हम अपने मार्ग में अनवरत जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, बागेश्वर धाम के पागलों के लिए, सनातन के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और बालाजी की सेवा के लिए हम अपना जीवन कभी भी यत्र तत्र नहीं करेंगे। हम कानून के साथ हैं, प्रशासन को हमारा कहना है कि आप पूर्ण रूप से जांच करके कठोर कार्रवाई करें, हमारा आपके साथ है, धन्यवाद। जानकारी के मुताबिक जीतू तिवारी से लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ था और बात बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई थी। इस मामले में पीड़ित पक्ष बमीठा थाने पहुंचा था और पुलिस ने उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल भेजा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालीग्राम ने छतरपुर के गढ़ा गांव में करीब 50 सेवादारों के साथ मिलकर जीतू तिवारी के परिवार की लड़कियों पर हमला कर दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री की गाड़ी में उनके छोटे भाई शालीग्राम सवार थे, और इस दौरान सेवादार पीला चोला पहनकर बाइक पर डंडे लेकर पहुंचे और महिला और बच्चों के साथ जमकर मारपीट की थी। ऐसी ही देश दुनिया की सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।